स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल VNKD स्टडी पोर्टल में। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, बताइए कहाँ होता है। शब्द के आरंभ में कि शब्द के मध्य में कि शब्द के अंत में कि वाक्य के आरंभ में। देखिए पहले का जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में होता है और प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह शब्द के अंत में होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के आरंभ में होता है। अगला देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, बताइए समास कहते हैं या अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी से होगा, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए प्र है कि त है, प्रारभ है कि आत है। तो देखिए तीन का जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रख्यात में जो है प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह प्र है। तो तीन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए प्र है कि प्रति है कि प्रत्युत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चार का जो है ऑप्शन नंबर बी से होगा, प्रत्युत्पन्नति में जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए अप का कि आ का कि प्रति का कि अनु का। देखिए पाँच का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, निर्वासित में प्रत्यय है, बताइए निर्वासित में प्रत्यय है, इंक है कि नी है कि सित है कि इत है। तो देखिए निर्वासित में जो प्रत्यय है वह जो है इंत है, निर्वासित यानी इत। अगला देखते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए क है इक है कि याक है कि अक है। तो देखिए सात का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेखक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वह अक लगा है। अगला देखते हैं, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताइए इंक का कि इं का कि आ कि इंको। देखिए अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यानी अनुज है तो अनुजा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, बताइए इंका कि आ का कि इं का कि इक का। देखिए नौ का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए सूत को अगर हम स्त्रीवाचक बनाए तो आ लगा दे उसमें सूता तो स्त्रीवाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्पृश्य शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए नी का कि अनु का कि अ का कि कु का। देखिए दस का जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्पृश्य शब्द का जो विलोमार्थ बनाने के लिए हम अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए प्र है कि परा है कि परी है कि प्रति है। देखिए ग्यारह का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग है वह प्रति है। ये दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, बताइए दूर कि अति कि नीर कियन। देखिए बारह का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अति लगाने से जैसे शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जो है जुल्म हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, बताइए कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, रंगीला कि बिकाऊ कि दुधारू कि कृपालू। देखिए तेरह का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिकाऊ जो है वह कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, तेरह का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, बताइए दिखावा में कि चढ़ावा में कि लावा में कि बुलावा में। देखिए चौदह का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देखिए लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं लगा है तो लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं लगा है। अगला देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए लोग है कि गढ़ है कि वर्ग है कि प्रेस है।
तो देखिए 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेस जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला देखते हैं, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाइए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, बताइए। अलग हैं कहा जाता है कि आ कि अब कि परी। देखिए 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अ लगा देंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, व्यवस्था यानी अव्यवस्था हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल में कि अलक में कि पुलक में कि धनिक में, बताइए किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धनिक में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और देखिए इंक का प्रयोग हुआ है। देखिए यह इसका हम भाग पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में इसका भाग दो देखा जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। सागर में कि नागर में कि अगर मगर में कि जादूगर में, तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जादूगर में जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। उपकार में कि लाभदायक में कि पढ़ाई में कि अपनापन में, देखिए 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। अ है कि अन है कि अब है कि अनु है, तो देखिए अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह 20 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनु जो है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला देखते हैं, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। नी है कि नी है कि नीर है कि नीरी है, देखिए 21 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है देखिए वह जो होगा नीर होगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी में कितने कृत प्रत्यय हैं, 28 हैं कि 30 हैं 42 हैं कि 50 है, देखिए 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदी में जो है कृत प्रत्ययों की संख्या जो है 42 है। अगला देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बताइए। संज्ञा के सर्वनाम के विशेषण के क्रिया के, तो देखिए 23 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पद में एक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किसमें एक प्रत्यय नहीं है, बताइए। दैविक में कि सामाजिक में कि भौमिक में कि पक्षिक में, देखिए 24 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पक्षिक में जो है एक प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में है। अगला देखते हैं, देखिए आज का आखिरी प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, बताइए। अभियोग का कि व्यायाम का कि अपमान का कि इनमें से कोई नहीं, तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई किसी शब्द से भी प्रत्यय की रचना नहीं हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। नमस्कार।